दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप लोगों को भाई जानकारी छूट जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ इसका रूम के लिए और एडमिट कार्ड के लिए। तो वीडियो को भाई पूरा देखना, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस तरह से आप लोगों को झटका लगा था पलामू में, खास करके क्योंकि पलामू में ही आप लोगों का जो रनिंग था 22 तारीख से, और वो अचानक से डेट सस्पेंड होकर आगे बढ़ गया था डेट, तो आप लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा था, ये मैं जान सकता हूँ। और ये मैं समझ भी सकता हूँ कि आप लोगों को कितना बड़ा झटका लगा था, क्योंकि भाई इसकी जानकारी मैं ही दिया था सबसे पहले आपको यूट्यूब पर। तो आप लोगों को भाई अब एक बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स तो अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। और आप लोगों को अगर नहीं पता है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं वो भी वीडियो में बताऊँगा आगे। तो भाई मुझे ये बहुत बुरा लगा था उस टाइम कि आप लोगों का भाई एडमिट कार्ड आया हुआ रनिंग डेट के लिए, लोगों ने अपना टिकट रिजर्वेशन करा लिया, कोई बस में टिकट कर लिया, कोई ट्रेन में टिकट कर लिया, और कितने लोग तो भाई यहाँ पे आ गए और आकर वापस चले गए। तो भाई काफ़ी बुरा लगा ये देखकर और सुनकर भी, और कुछ तो मैं अपने आँखों के सामने देखा हूँ, कुछ लोगों से मिला भी हूँ, और आज भी एक कैंडिडेट से मैं मिल लिया बिहार के। वो बंदा भाई बिहार से आया हुआ था यहाँ पर, और वो बोला कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ, बट मुझे जहाँ तक पता था कि 22 तारीख को ही बस कैंसिल हुआ है, बाकी डेट का चल रहा है रनिंग। मैंने उसे अच्छे तरीके से बता दिया कि भाई क्या हुआ था, मैं वीडियो हमेशा डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं उसे कि वो समझ में नहीं आया। चलो अब आप लोगों को बताते हैं कि अब आप लोग को अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं आपको डिस्प्ले पर यहाँ से दिखा देता हूँ किस तरह से आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है। और जो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हो, वो लोग भाई मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर और मुझे बता दो कि आप लोगों को कौन सा डेट में रनिंग है यहाँ पे पलामू यहाँ की हवाई अड्डा में, और आप लोग कहाँ से आ रहे हो। और जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे वो भी मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से हो और आप लोग का कौन सा डेट में रनिंग है। तो दोस्तों आप सबको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पर या फिर गूगल पर जाना है और जाकर सबसे पहले सर्च करना है JSSC। तो JSSC सर्च करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जस्ट नीचे यहाँ पर दिखेगा एडमिट कार्ड। तो पहले एडमिट कार्ड को जो ऊपर खोलना है, और एडमिट कार्ड को खोलने के बाद देखिए आप लोगों को क्या दिखेगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर JECCE 2023। तो बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है डिटेल्स, तो डिटेल्स को खोलना है। तो डिटेल्स को खोलने के बाद ये पूछ रहा है कि आप अब इसको ओके कीजिएगा, तो डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा। तो इसको पहले ओके करते हैं। चलिए ठीक है, ओके कर दिए। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर में न्यू नोटिफिकेशन दिख रहा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर JECCE 2023। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैंडिडेट लॉगिन फॉर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद नीचे में कैप्चा भर देना है। ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है ZMEM, इसी को यहाँ पे फिल कर देना है, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा, और उसके बाद फिर लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसके बाद आप लोगों को प्रिंट कर लेना है। तो कुछ ऐसा ही होगा आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो जिन जिन लोगों का एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, वो लोग जाकर जल्दी से अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एडमिट कार्ड भाई डाउनलोड कर रहे होंगे। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों को कौन सा डेट में है। और भाई रही बात अब रूम के लिए, जैसे एडवाइस लोगे तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक दिन पहले आ जाओ, क्योंकि भाई देखो क्या हुआ है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि क्या हुआ था, दो बंदों के साथ क्या हो चुका है हजारीबाग में और मुसावनी में। तो इसी वजह से आप लोग एक दिन पहले आ जाओ, एक दिन यहाँ पर आकर रेस्ट कर लो, उसके बाद रनिंग करो। सीधे आप सोचो कि घर से सीधे आएंगे दौड़े दौड़े और आकर यहाँ पर 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, तो भाई ऐसे नहीं हो पाएगा। इसी वजह से पहले आकर यहाँ पर एक दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद रनिंग करने जाओ फुल एनर्जी के साथ, और देखो रनिंग कैसे निकलती है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बाकी अगर रूम का व्यवस्था चाहिए तो भाई रूम के लिए मैं कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बाद देखते हैं, अगर जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसी के हिसाब से उसका ही वीडियो आ जाएगा। तो रूम के लिए मैं बता दे रहा हूँ, रूम का मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप लोग कहोगे कि भाई मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का वो वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप लोग को अगर चाहिए होटल, एक सस्ता सुविधा एक अच्छा सा होटल चाहिए, वो भी चिया की हवाई अड्डा के नज़दीक में, जितना से जितना हो सके नज़दीक में, तो मैं उसके लिए वीडियो ला दूँगा। आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितने लोगों को भाई रूम चाहिए, कितने लोग चाहते हो कि हमें रूम मिल जाए, वो भी चिया की हवाई अड्डा के जस्ट नज़दीक में, क्योंकि कितने लोगों को भाई ज़रूरत है उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। बिना ज़रूरत का कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है किसी को स्टेशन पर रहना हो भाई, तो मैं क्यों इतना मेहनत करने जाऊँ। इसीलिए अगर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी चाहिए रूम के बारे में,
और लॉज हो या रूम हो, सबसे नज़दीक में जो भी कुछ मिलेगा यहाँ की हवाई अड्डा से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के नज़दीक में, तो मैं उसका वीडियो बना दूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कितने लोगों को रूम चाहिए भाई, उसके बाद ही उसका वीडियो आएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, तब तक आते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।